जल्दी सेटल। हाँ जी बच्चा, लास्ट क्लास में हमने, लास्ट टू लास्ट क्लास में वो हैव डन समथिंग अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसको ही हमने अभी कंटिन्यू करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही। तो सबसे पहले तो लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा ही कुछ किया था हमने। मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या है, कोफिशिएंट्स क्या हैं, राइट? ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड अबाउट, वर्ब क्या होते हैं। आज भी हम उन्हीं चीजों पर थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन अलोंग विद दैट विल गो फॉर मल्टीप्लीकेशन, राइट? सो बिफोर गोइंग फॉर मल्टीप्लीकेशन, आप लोगों को एक्सपोनेंट के रूल्स कुछ याद हैं, 7th में जो पढ़े थे, क्योंकि वो हमें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में काम आने वाले हैं। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, दैट इज समथिंग यू शुड नो बिफोर वी गो फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सपोज आई हैव ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन, वॉट डज इट गिव्स राइज टू? ए ए रेज टू पावर एम, जब बेसिस सेम हो रहे हो और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो टर्म्स को, तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं दे गेट एडेड अप। बच्चों बोर्ड विजिबल है आपको प्रॉपरली? नाउ इफ आई हैव ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन, देन माई आंसर शुड बी, बेसिस सेम एंड आई डिवाइड द टू टर्म्स, व्हाट हैपेंस? एम माइनस एन, जो एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो जाता है। जो नेगेटिव है वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, आई एम राइटिंग इट एज ए पावर एम इनटू ए पावर माइनस एन। जो डिनोमिनेटर में पड़ा उसको न्यूमरेटर में ले गए, अब फिर से ये वाली प्रॉपर्टी लगी, बेस सेम पावर्स एड। अब एक पावर एम है, एक पावर माइनस एन है, इसीलिए ये हो गया ए पावर एम माइनस एन। देन ए रेज टू पावर एम होल पावर एन। हाँ जी, व्हाट इज इट? ए पावर एम इनटू एन। ये जो दो पावर्स हैं, ए पावर एम एंड होल पावर एन, दे गेट मल्टीप्लाइड देमसेल्स, बिटवीन देमसेल्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है हमारे पास। देन इफ आई हैव ए बी होल पावर एन, आई कैन राइट इट एज, ब्रेक करके लिखना है कैसे, इसे सेपरेट आउट कर दूं मैं, कैन दिस बी रिटन एज ए पावर एन इंटू बी पावर एन? ए बी होल पावर एन कैन बी रिटन एज ए पावर एन इंटू बी पावर एन, और वाइस वर्सा, ए पावर एन इंटू बी पावर एन को ए बी पावर एन लिख सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास है एक्स वाई होल स्क्वायर, आई विल राइट इट एज एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और इफ आई हैव एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, आई कैन री राइट इट एज एक्स वाई होल स्क्वायर। ये सब एक्सपोनेंट्स के रूल आप लोग पढ़ा करते थे 7th में, और 8th में भी अगर आपने एक्सपोनेंट का चैप्टर कर लिया है तो ये भी वहां पर भी आपने ये सब चीजें करी होंगी। चलिए जी, बिफोर वी गो फॉर दी असाइनमेंट पार्ट, थोड़ी सी बातें हम कर लें कि अगर मैं एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर रही हूं, मोनोमियल मीन्स वन टर्म। सपोज आई हैव 2x एंड आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई इट विद से 3y, वॉट माई आंसर विल बी? मोनोमियल मल्टीप्लाइड विद मोनोमियल,
कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पहले तो कॉन्स्टेंट्स जो है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट 2 यहाँ पे 3, तो मल्टीप्लाई होके क्या आया? अब ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं या कुछ सेम कुछ है इसमें, आर दे लाइक टर्म्स और डिसलाइक टर्म्स एक्स एंड वाई? अनलाइक, तो इनमें कुछ कंबाइन तो हो नहीं सकता कि हम पावर्स को कर दें या कुछ, कुछ भी तो सेम है नहीं है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 6x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द कॉन्स्टेंट्स दैट आर देयर विद द एक्सप्रेशंस एंड देन सी, जो आपके पास वेरिएबल पार्ट बड़ा पड़ा है वो लाइक है अनलाइक है, जो एक्सपोनेंट्स के रूल अभी हमने लगाए उनमें से कुछ लगेगा नहीं लगेगा, दिस इज समथिंग यू हैव टू लुक अबाउट। अब ध्यान से बताना, अगर मैं आपको कहूं -3y को मल्टीप्लाई करना है मैंने 2x होल स्क्वायर से, ध्यान से बताना व्हाट माय आंसर शुड बी, व्हाट आई एम डूइंग, वन टर्म इज -3y, अनदर इज 2x का होल स्क्वायर, हाउ शुड आई नाउ मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स एंड व्हाट शुड आई गेट आउट ऑफ इट? आपको पता है जब भी आपके एक्सप्रेशन में ब्रैकेट आ जाती है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाता है, फिर उसके बाद बाकी चीजों की बात की जाती है, तो सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट को खोलना चाह रही हूँ, बताओ ये कैसे खुलेगी? अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, अगर ए बी होल पावर एन है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए पावर एन इंटू बी पावर एन, तो अब इसको कैसे लिखूं, 2x होल स्क्वायर, व्हाट शुड आई राइट इन प्लेस ऑफ इट, टू का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, यहां से कांस्टेंट टर्म 4 आ गई, यहां से -3 आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, वन टर्म इज -3 अनदर इज 4, सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, -12। अब ये जो मेरे पास वेरिएबल पड़े हैं ये सारे अनलाइक, कहीं कुछ कंबाइन होने वाला नहीं है, तो डायरेक्टली -12y x² दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर, ठीक है जी। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को, चलिए। अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं दैट इज मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल विद अ बायनोमियल, क्या करना है, मैंने एक मोनोमियल को से आई हैव 3a, इसको एक बायनोमियल से मल्टीप्लाई कर रही हूं और मैंने बायनोमियल लिया 2a-3b, दिस इज अ मोनोमियल और ये जो ब्रैकेट के अंदर पड़ा ये क्या है, बायनोमियल, आई वांट टू मल्टीप्लाई दीज टू। अब सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर पड़ा हो तो वो अंदर पड़ी हुई हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है या सिर्फ एक के साथ मल्टीप्लाई करके काम चल जाता है? डू आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस 3a विद दिस एज वेल एज विद दिस, या एक ही के साथ काम करूं तो बात बन जाएगी? थ्री ए विद बोथ द टर्म्स, जब हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो मोनोमियल पड़ा है ये बाइनोमियल की सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, सो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अगेन आई एम सॉल्विंग द ब्रैकेट ओनली, क्या हो रहा है, ये जो टर्म बाहर पड़ी थी 3a ये इस 2a के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ये जो 3a पड़ा है ये इस 3b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? चलिए जी, अब जरा ध्यान से सोच के इस टर्म को सिंप्लीफाई करके बताना क्या आएगा, सोच के, बार बार बोल रही हूं मैं, थिंक, लुक एट इट केयरफुली एंड टेल मी इफ आई मल्टीप्लाई 3a विद 2a व्हाट माय आंसर इज गोइंग टू बी, 6a। अब बहुत ध्यान रखना है, हमने ये कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई कर दिए 6, लेकिन अब ये डिफरेंट टर्म्स नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डूइंग ए इनटू ए, दोनों में एक्सपोनेंट 1 एंड 1, ए पावर एम इनटू ए पावर एन का रूल लगा तो ए पावर एम प्लस एन, सो दैट गिव्स मी ए स्क्वायर, सो आई एम गेटिंग 6a² अगला बोलो जी क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव साइन तो ऐसे ही रहेगा,
What will I get here? AB, क्योंकि ये तो दोनों अनलाइक टर्म्स थी तो कंबाइन कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ उनका मल्टीप्लिकेशन करके मैंने एज सच लिख दिया. सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई अ मोनोमियल विद अ बाइनोमियल. अब मैं एक एक्सप्रेशन दे रही हूं, वो आप लोग मुझे सिंप्लीफाई करके बताएंगे. मेरे पास है सपोज आई एम हैविंग -5a मल्टीप्लाइड विद 3ab -6b². चलिए जल्दी से करिए और बताइए क्या आएगा. ध्यान से करना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. -5a इज द मोनोमियल, आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद दिस बाइनोमियल 3ab -6b². जल्दी से करिए और मुझे आंसर बताइए क्या निकाल रहे हैं आप यहाँ. डन, आंसर बोलो जी क्या. -15, ये ए और ए लाइक ए स्क्वायर और ये बी बेचारा अकेला पड़ा था. अब आपने -5a को -6b² से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे. -30 मिलेगा. -30, ये टर्म जरा ध्यान दें, आप -5a को -6b² से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया 30. ये दोनों अनलाइक टर्म्स, 30ab², सो माय आंसर इज +30ab². सो नेगेटिव साइन जब भी आ जाता है यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन, नहीं तो ये बहुत तंग करता है, बहुत गलतियां करवाता है. सो हैव टू बी क्वाइट केयरफुल व्हेन आई एम हैविंग अ नेगेटिव साइन. ठीक है जी, एक और करो जरा. मुझे मल्टीप्लाई करना है 3x +4y को -4z से. अब मैं मोनोमियल अपना बाइनोमियल से पहले भी लिख सकती हूँ, बाद में लिख सकती हूँ, बात वही है, करना वही है मुझे, राइट. तो मैं क्या कर रही हूँ, 3x +4y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4z से. करिए और मुझे आंसर बताइए क्या बनाएंगे. ध्यान से करना है, जल्दी कोई नहीं है, आराम आराम से करते जाओ. हाँ जी, हो गया. बताओ जी, पहली टर्म क्या बनेगी. अब क्या करना है, आपने 3x को मल्टीप्लाई किससे करना है, -4z से. तो बताओ जी क्या बनेगा, 3x को -4z से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, एंड अलोंग विद इट -12 के साथ -12xz, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल फिर अलग हो गए, कुछ सेम तो है ही नहीं है, सो सिंपल उन्हें मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया. माइनस
12, क्योंकि 3 into -4 इज -12, यहाँ से x, यहाँ से z. अगली टर्म बताइए जी क्या होगी. -16 z1 -16 z2 16 y z लिख दो या z y लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. सो आई एम हैविंग -12 xz -16 yz. चलिए अब आपने क्या करना है, अब जरा थोड़ा सा ध्यान से करना काम. आई एम हैविंग 2/5 ab मल्टीप्लाई इट विद b/2 प्लस a/4. ध्यान से करना, थोड़ा सा आराम आराम से, मुश्किल तो खैर कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना. टू अपॉन फाइव ए बी मल्टीप्लाइड विद बी अपॉन टू प्लस a/4. पहले इसको एक्सपैंड करके लिख लो, 2/5 ab टू बी मल्टीप्लाइड विद b/2 प्लस 2/5 ab इज टू बी मल्टीप्लाइड विद a/4. अब देखते जाओ क्या कुछ कैंसल हो रहा है, क्या कुछ कंबाइन हो रहा है, और देखो आंसर क्या बनेगा. शाबाश शाबाश, जिसका जो भी आंसर आया जल्दी से बताओ. यहां पर देखो इस टर्म में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, पहली वाली में डन. देखो जी ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया. अब बचा क्या, न्यूमिनेटर में बचा ए बी इंटू बी. क्या हो जाएगा जी, ए बी इंटू बी, ए बी स्क्वायर. यहां पर ध्यान देना, अब ये तीन ये अलग है, इसको अलग वाले को तो पहले लिख ही दिया, इसको तो कहीं से इसे कंबाइन कर ही नहीं सकते. ये दो टर्म्स सेम है, ये भी बी इनटू बी, बेसिस सेम, पावर ऐड, बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में पड़ा था 5. सो ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय 5. अगली टर्म में कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये 2 और 4 कैंसिल होके यहाँ 2 आ जाएगा. अब ऊपर बचा है ए बी इंटू ए, मतलब फाइनली आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी, और नीचे कितना 5 into 2. ये बी तो अलग पड़ा है, ए इंटू ए विल गिव यू ए स्क्वायर. तो मेरा आंसर हुआ ए बी स्क्वायर अपॉन 5 प्लस ए स्क्वायर बी डिवाइड बाय. यहां तक सबको समझ में आई है बात. चलो फिर एक क्वेश्चन और करो जल्दी से. आपने एक एक्सप्रेशन है जिसको सिंप्लीफाई करना है, और एक्सप्रेशन जो मुझे दे रखा है दैट इज 3a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a+2, 2 टाइम्स a+2 -3a into 2a+1. ध्यान से करना, आई एम गिविंग यू अ फुल मिनट टू सॉल्व इट. सबसे पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होती हैं, तो पहले ये वाली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, फिर ये वाली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो. और ध्यान रखना ये बाहर नेगेटिव भी पड़ा है, ये थोड़ा सा तंग करता है, सो इसको ध्यान से देख के पहले सबसे ब्रैकेट्स सॉल्व करो. शाबाश, जल्दी से.
पहली टर्म में तो कुछ है ही नहीं, जैसे था वैसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ बदलना है नहीं है। अगली टर्म में ये ब्रैकेट खोलो, ये ब्रैकेट खोलो, कीपिंग इन माइंड यहाँ पर -3 ए पड़ा है। हाँ जी बच्चों, जब हम इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो इस 2 ने A के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, 2 ने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होना, क्या बन जाएगा? 2A, 2 into A, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, सीधे सीधे बेचारे मल्टीप्लाई होकर लिखे जाएंगे और कुछ है ही नहीं है। अगली टर्म में क्या हुआ, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया, 4। यहां तक कोई डाउट? अब अगली टर्म को ध्यान से देखना, अगली टर्म में अब आपने क्या करना है, -3 A को 2 A से मल्टीप्लाई करना है। ये -3 A पड़ा था, अंदर से 2 A आया, क्या आएगा बच्चे? -6 A² -3 और 2 कांस्टेंट, -6 A into A हो गया A² और अगली टर्म क्या आएगी? अब ये -3 A को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो किसी भी तो सेम ही रह जाता है, 1 से मल्टीप्लिकेशन पे तो कुछ चेंज होता ही नहीं है, तो इट विल बी -3 A। दोबारा देख लो, यहां पर बाहर -3 A पड़ा था, इसको एक बार 2 A से मल्टीप्लाई किया तो -6 A² बन गया, -3 A को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली सेम ही नंबर 1 से मल्टीप्लिकेशन से मिलता है, सो -3 A। क्या अब ये एक्सप्रेशन फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, या यही मेरा आंसर है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म रमेश है? अब लाइक टर्म्स हैं यहाँ पे पड़ी हुई, दिस एंड दिस, दीज 2 टर्म्स आर लाइक टर्म्स, दीज 2 आर लाइक टर्म्स, ये बेचारी अलग सी टर्म पड़ी है। तो जब भी मुझे अपना आंसर देना होता है तो मुझे लाइक टर्म्स को कंबाइन करके फिर अपना आंसर देना होता है। करो आप फटाफट से कंबाइन, यहाँ 3 A² है, यहाँ -6 A², ध्यान से आंसर बोलना क्या आएगा, -3 A² फिर है 2 A एंड -3 A, फिर क्या बन जाएगा, 2 A -3 A -A, और साथ में ये 4 पड़ा है, ये अकेला ही है बेचारा, तो मेरे पास आंसर क्या हुआ, -3 A² -A+4। इसका मतलब जब आपने ब्रैकेट्स आ गई तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को खोलना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस पड़ा है तो थोड़ा और ज्यादा ध्यान से काम करना है, और जब पूरा एक्सप्रेशन आपने खोल लिया उसके बाद लाइक टर्म्स को कंबाइन करके मुझे मेरा फाइनल आंसर दे देना है। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो जल्दी से पूछ लो मेरे से फटाफट। Anybody having any doubt in this particular question? No? All of you have understood it? Okay. Now, if I say, if my question should would have been, evaluate this expression when A is 1, तो क्या करते आप? If I am saying now, evaluate this expression when A is 1, मतलब जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया उसमें A को क्या डाल दूं? वन डालो और आंसर बताओ क्या बना?
हैव टू टेक ए एज वन. जब ए को वन डालेंगे तो ये पहली टर्म क्या बन जाएगी, बोल दो. इस ए की जगह क्या डालना है मैंने, वन. हाँ वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, और जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा. ये टर्म क्या हो जाएगी, -1 + 4. तो मेरा आंसर क्या हुआ, -3 - 1 - 4 + 4. सो एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, 0. बोलो जी, समझ में आ रहा है यहां तक. चलिए अब पहले थोड़ा असाइनमेंट में देखते हैं क्या हमारे पास ऐसा कुछ असाइनमेंट में अवेलेबल है. आप लोगों के पास असाइनमेंट है? ठीक है, चलिए आप बताइए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके असाइनमेंट का? पेरीमीटर निकालना है, क्या करना है, पढ़ो जरा क्वेश्चन 1 सेकंड में. असाइनमेंट जरा देखो. सर मिनट को देखना, वो गायब हो गया मेरा असाइनमेंट वाला. स्टेटमेंट नहीं पता नहीं कहाँ पे आ गया. अगला पे जाना, नेक्स्ट. हाँ जी. द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन बाय x² + 3y² इट्स पेरीमीटर. स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? 4 × साइड. अब जब मुझे साइड की लेंथ दे रखी है तो मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है 4 × ये साइड लेंथ कर दो. इज इट ओके, यही बोला जा रहा है मुझे. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स लेंथ ऑफ द साइड, एंड लेंथ ऑफ साइड इज x² + 3y² चलिए जी. तो अब मुझे बताओ मेरा कौन सा आंसर करेक्ट है, ए बी सी या डी, सी विच वन? सी क्योंकि ये देखो बी एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम यही है, 4 × x² + 3y². अब अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं तो क्या होगा, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 4x², जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कांस्टेंट, 4 × 3 = 12, और ये y² पड़ा ही था मेरे पास, तो 4x² + 12y², ये भी करेक्ट हो गया. ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि मुझे तो 4 से मल्टीप्लीकेशन चाहिए थी. तो मेरा आंसर क्या हो गया, बोथ बी एंड सी. बच्चों जिसको जो बात समझ में नहीं आएगी वो पूछनी है, बैठे नहीं रहना वरना दिक्कत हो जाती है. जोर से आवाज आनी चाहिए मुझे, क्या सबको समझ में आई ये बात? एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज अपने आप ऑनेस्टली बता दो. जितना कुछ हमने पहले किया या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वही चीज चल रही है, इसीलिए पूछ रही हूँ. कोई चीज नहीं क्लियर है तो पूछो. चलिए जी, अगर क्लियर है तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अब थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा. क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? इफ आई से फाइंड प्रोडक्ट ऑफ से 2 एंड 3, क्या करोगे?
मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहां भी मुझे क्या करना है, मुझे इन सब को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं वो डेसिमल्स में भी आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे 0.18 इंटू 0.01A² इंटू A³ इंटू 3A⁴, ये करना है। तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए? विच आउट ऑफ द फोर शुड बी माई आंसर? लुक एट इट केयरफुली, डू इट केयरफुली एंड देन टेल। जैसे आपको बताया, पहले सारे कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लो। कॉन्स्टेंट क्या क्या है? यहां से आया 0.1, यहां से आया 0.01, अगले में तो 1 ही पड़ा है, उसके अगले में 3 है। पहले इनको इकट्ठे करके लिख लेते हैं, फिर जो वेरिएबल है उनको एक साथ लिख लेते हैं। पहले टर्म में से वेरिएबल ए आया, अगली में से A² आया, अगली में से A³ आया, अगली में से A⁴ आया। आई पुट हियर मल्टीप्लीकेशन साइन, यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब करो मल्टीप्लाई, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो पहले, फिर जो वेरिएबल्स हैं विद पावर्स हैं उनको करो, देखो जरा आंसर क्या बन जाएगा। हाँ जी, ए की पावर क्या बन रही है मेरे पास? 10। ए की पावर 10, क्योंकि सबके बेस सेम पावर्स ऐड करनी है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। लेकिन ए पावर 10 तो सारी ऑप्शन में पड़ा है, अब तो हम फंस गए। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देखो फिर क्या आएगी, देखो बताओ क्या बनेगी इसकी मल्टीप्लिकेशन। अरे अरे इतनी देर क्यों लग रही है? अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो डेसिमल को क्या करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। 1/10 इसको कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, 1/ 0.01 को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हाउ मेनी जीरोस विल आई गेट इन द डिनोमिनेटर? क्या हो गया बच्चों? 0.01 डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स उतनी जीरोस आ जाती हैं मेरे पास, इनटू 3। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया 3/1000। अब अगर 3/1000 बन गया है, मेरे को आंसर डेसिमल की फॉर्म में दे रखा है। अब एक बात तो समझ में आ गई मुझे, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो खाली 3 है, लेकिन मेरे पास तो सी के डिनोमिनेटर में बड़ी सारी चीजें पड़ी हैं, तो पहला आंसर तो हो ही नहीं सकता। साथ में है इसके A⁻¹। अब देखो जी, क्या मेरे पास ये आंसर होगा 0.003A⁻¹? अभी अभी हमने कहा डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी जीरोस, मतलब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूं तो मेरे को डिनोमिनेटर में 3 जीरोस लानी है, और वही यहां पे मेरे पास बन गया। इट मींस दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं? डेसिमल्स जब भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं दोज मेनी जीरोज यू हैव टू पुट इन द डिनोमिनेटर, और अदर वे राउंड। जैसे यहाँ 3/1000 आ गया, तो अब डेसिमल से पहले डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए, और अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिखूंगी 0.003, क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए। पड़ा था सिर्फ 3, तो 2 जीरोस मैंने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दी। 0.003A⁻¹। हाँ जी, चल सकते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा के काम करना पड़ेगा, क्योंकि सारी टर्म्स में अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले सारी सारी ब्रैकेट खोलनी पड़ेंगी, यू हैव टू ओपन 4 ब्रैकेट्स फर्स्ट। ध्यान से करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर जगह मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
मोनोमियल मल्टीप्लाइड विद बाइनोमियल। ध्यान ध्यान से करो, टेक योर टाइम, नो हरी करो, और जल्दी से बताओ मुझे क्या मेरा फाइनल आंसर बन रहा है। चलिए शाबाश, वेरी गुड। अपने अपने काम में ध्यान देना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में मुश्किल लग रहा है, नहीं है मुश्किल। ब्रैकेट्स खोलते जाओ एक एक करके। चलिए जी, चलिए फटाफट फटाफट क्विकली। एक एक ब्रैकेट को हम लिखते जा रहे हैं, खोलते जाएंगे, फोर ए बी इंटू ए माइनस बी। चलिए जी, ए से शिवम। माइक के पास आ जाओ बेटा, ये ब्रैकेट खुलवाओ जरा, फटाफट फटाफट आते जाओ। जिस जिसको मैं बुलाती जाऊँ वो फटाफट से उठ के माइक के पास आता जाएगा। चलिए जी, हाँ जी शिवम, ब्रैकेट खुलवाओ बेटा। फोर ए बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा? क्लाउड प्लस प्लस का फोर ए बी को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है? ए से। बताओ जी, अगर मैं फोर ए बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? ये जो खड़ा है माइक पे, ये तो कुछ बोल रहा नहीं ना है। पहले क्या हुआ, ये फोर ए बी को ए से मल्टीप्लाई किया, ये बीच में नेगेटिव साइन पड़ा था, फोर ए बी को बी से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर ए स्क्वायर बी माइनस फोर ए बी स्क्वायर। हाँ जी, आपको समझ में आया ये बेटा शिवम? हाँ जी बेटा, ये समझ में आ गया? चलिए जी, जाइए सीट पे। अब अगली टर्म खोलनी है, दैट इज माइनस सिक्स ए स्क्वायर इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। अब बाहर ये माइनस पड़ा है तो थोड़ा ध्यान रखना जरा खोलते हुए। माइनस सिक्स ए स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन बी माइनस बी स्क्वायर से हो रही है, पहली टर्म क्या बनेगी? हाँ जी, जो माइक पे खड़ा है वो बोलेगा, बाकी अभी शांत रहेंगे। हाँ जी बच्चे बोलो, ताकि मैं आपको वापस भेजूं, फिर एक टर्म फटाफट से बताओ मुझे क्या बन रही है, हाउ टू सॉल्व इट। माइनस करना क्या है मुझे यहां पर? माइनस सिक्स ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा बेटा? ओ बोल दे भाई, जोर से बोल, जोर से। सिक्स सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस ए ए अपॉन टू अपॉन कहां से आ गया सॉरी बेटा? माइनस बी माइनस बी क्या कर क्या रहे हो, पहले ये समझाओगे मुझे कैसे निकाल रहे हो? मैं ये ब्रैकेट खोलने को बोल रही हूँ, मेरे को पहले मेथड बता बेटा कैसे खोलो। ये जो माइनस सिक्स ए स्क्वायर पड़ा है, ये पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ब्रैकेट अभी खोलनी। ये माइनस सिक्स हो गया। माइनस सिक्स ए माइनस हाँ ये ए के ऊपर कुछ पावर पड़ी है क्या? ए ही है ये टू टू, ये कहीं गायब हो जाएगी कि साथ ही चलती रहेगी? गायब हो जाएगी कि साथ चलेगी बेटा? बेटा अगर मैं तुझे बोलूं बाहर टू पड़ा है, अंदर है थ्री एक्स माइनस फोर वाई, इसको जरा मल्टीप्लाई करवाइए बेटा क्या आएगा? उसको छोड़ डाल लीजिए, बता टू इंटू थ्री एक्स माइनस फोर वाई क्या बनेगा? -6
माइनस कहाँ से आ गया भाई, समझा दे जरा मुझे। -6a मैम, सिक्स तो छोड़ दे बेटा, ये छोड़ दे, इसको छोड़ दे, पहले ये करवा दे रहा, पहले ये मल्टीप्लाई करवा मेरे को, ऊपर वाले टर्म को देखो ऊपर वाले टर्म मल्टीप्लाई कराओ बेटा, इसको छोड़ दो अभी, पहले इसको करवाओ। टू अभी। इंटू 3x-4y क्या आएगा? बेटी इतनी देर से क्लास में बैठ के सो रहे थे आप? Were you sleeping in the class? नो Then what have you learned in the class in the past 40 minutes? What have you learned? हम क्या कर रहे थे? अगर एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना था तो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे? ऐसा कुछ किया आज हमने कि नहीं, कि एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करें तो कैसे करते हैं? Have we done it or not? हाँ जी, कौन इसको आके जरा समझाएगा? 8A में से ही विल कम टू द माइक एंड विल टेल हिम हाउ टू डू इट। आ जाओ फटाफट, कौन आएगा अभी? इसको पहले ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन कैसे सिंपलीफाई होगा, जल्दी से कौन आएगा? आएगा कोई अपने आप की? मुझे आवाज मारनी पड़ेगी। दिलप्रीत कौर? हाँ जी, वेयर इज दिलप्रीत कौर? हाँ बेटा, बच्चे आपको समझ में आया कि अगर मैंने ये एक्सप्रेशन खोलना होगा तो कैसे खोलेगा? एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आया कुछ समझ में कि नहीं? माइक दे बेटा उसको जरा। हाँ बेटा, मैम, 12 किसको कर रहे हो, ये करवा रहे हो कि ये करवा रहे हो? पहले तो ये समझा दो मुझे। ऊपर वाला हाँ जी बताओ, ऊपर वाला? अच्छा मैम, ये जो ब्रैकेट के बाहर टर्म पड़ी है इसको अंदर वाली टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करें? पहले पहला टर्म क्या बनेगा? टू को किससे मल्टीप्लाई करना है? मैम 6 सिक्स6 मैम ये एक्स, एंड 12 6x हाँ जी दोबारा बोलो, मैम 6x सिक्स एक्स कैसे आया बेटा ये 6x? मैम, जो मैम 3 के साथ x है मैम, 3 मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 इंटू 3x, पहले कांस्टेंट्स को देख लो, 2 इंटू 3 6, ये एक्स सिक्स एक्स एक्स कुछ पड़ा है। अगली टर्म क्या आएगी? मैम 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6x एंड आगे बोलो, के आप ही मैम बोलो बेटा। 12 xy 12xy मतलब आप कह रहे हो 12xy कैसे आया बेटा? किस किस को मल्टीप्लाई किया आपने 12xy पहुंचने के लिए? फोर मैम 4 into 3 मैम, फोर इंटू इंटू थ्री मैम 4 into 3 कौन से 3 से? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इन दो टर्म्स को तो मल्टीप्लाई करने को बोला ही नहीं है। मैम अनमोल, अनमोल आ जाओ भाई, अनमोल किधर है? हाँ बेटा, अब बताओ जी क्या करूं, आप बताओगे कुछ? -8y -8y। अब बेटा ये जो तेरे साथ दो लोग खड़े हैं, क्या इनको समझा सकता है तू कैसे किया तूने ये? मैम यस हाँ समझाओ फिर जरा, देखें मेरी बात समझ नहीं आई, शायद तुम्हारी याद है। मल्टीप्लाई करते हैं बाइनोमियल ट्राइनोमियल हाँ को और जी समझ आ मल्टीप्लाई करते हैं
क्या होता है, ध्यान से देखो, ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म पड़ी है उसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। लुक केयरफुली, क्या आएगा? 2 into 3x। अब इस 3x को भूल जाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, माइनस 2 into 4y, तो क्या आ गया? 6x माइनस, देख लो। अब जाओ जी, तीनों सीट पे बैठो। 8b से अंकित, अंकित फ्रॉम 8b। हाँ बेटा, ये तो चलो जो हमने कर रहे थे उससे हम इधर उधर भटक गए, इसको मल्टीप्लाई करवा रहे थे बेटा, बोलो। मैम -6a² b ओके, आगे क्या आएगा? प्लस 6a² b² +6a²b² वेरी गुड, गो टू योर सीट। कुछ नहीं करना था बच्चों, ब्रैकेट के बाहर का जो नंबर पड़ा है उसको अंदर पड़ी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले -6a²b से मल्टीप्लाई हो गया, अब ये -6a² को -b² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस बन गया 6। ये और ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं, तो a²b² मतलब पहली ब्रैकेट को खोल के मुझे ये मिला, दूसरी ब्रैकेट को खोल के मुझे ये मिला, ठीक है जी। अब तीसरी ब्रैकेट खोले, लो जी तीसरी ब्रैकेट है मेरे पास, -3b² into 2a² -a। 8a से जसिका पुरी। हाँ बेटा बताओ जी, कैसे करूं मैं इसे मल्टीप्लाई? -3b² को 2a² -a से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करूं, कैसे खोलूं ब्रैकेट? -6a -6, शाबाश, आगे बोलो। -6 यहाँ कांस्टेंट, -3 ये दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 आ गया। वेरिएबल क्या क्या पड़े बेटा? -6ab² ए बी b² बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पर बाहर बी स्क्वायर पड़ा, अंदर ए स्क्वायर, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, तो पावर्स तो कंबाइन कर नहीं सकते, तो सिंपल क्या लिख दिया? बी स्क्वायर ए स्क्वायर। आगे बोलो जी, कुछ और भी आएगा? बस यही आएगा, -3a -3 a ए। अच्छा, -3 और ए, ये माइनस भी गायब हो गया, ये बी स्क्वायर भी गायब हो गया, छोड़ ही देते हैं, क्या जरूरत है, हमें हम ही दे रखा था ये तो, है ना, इनका कोई काम नहीं है बेटा। ये एक -3 यहां से उठा लिया तुमने और यहां से ए उठा लिया, ये जो -3 के साथ बेचारा बी स्क्वायर पड़ा था इसका कुछ मतलब नहीं है, है बेटा। त्रिशा, एट ए त्रिशा, हाँ बेटा, एक टर्म तो आपकी फ्रेंड ने बता दी, पहली टर्म -6b² a², अगली टर्म बताइए जरा क्या बननी है। हाँ जी, थ्री बी टू, बी टू का मतलब b² ए, ये नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव। बेटा एक नेगेटिव साइन यहां पड़ा था, एक यहां पड़ा था, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? प्लस।
बच्चों तुम लोग इधर यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, यू पीपल आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड करना क्या है. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूं, चलो अपनी अपनी सीट पे सारे. मैंने क्या करना है, इस माइनस थ्री बी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, इसका मतलब माइनस थ्री बी स्क्वायर इंटू टू ए स्क्वायर, ये जो टर्म बाहर पड़ी है इससे मल्टीप्लाई हुई. फिर क्या हुआ, अगली बार में माइनस थ्री बी स्क्वायर माइनस ए से मल्टीप्लाई, माइनस थ्री इंटू टू कॉन्स्टेंट माइनस सिक्स बन गए. ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, अनलाइक टर्म्स हैं, तो सीधे सीधे हो गया बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. ये माइनस माइनस हुआ प्लस थ्री बी स्क्वायर इंटू ए. एट ए वाले बच्चे थोड़ा सा जाग के बैठा करो क्लास में, सो गए तो काम नहीं बनेगा. ठीक है जी, तो थोड़ा ध्यान से काम करो तब बात बनने वाली है. तो हमारे पास अब तीसरे एक्सप्रेशन को खोल करके ये आंसर आ गया है. अब हमारे पास एक लास्ट एक्सप्रेशन बच गया है. क्या है भला वो लास्ट एक्सप्रेशन है मेरे पास, 2ab into b minus a. बताओ जी, मैंने 8a से ही पूछना है अभी, फटाफट कर लो जरा सारे, जल्दी जल्दी करो सारे. और करते हुए अगर समझ नहीं आ रहा तो हैंड रेज करके पहले मेरे से पूछ लेना, बजाय कि जब मैं पूछूं और तुम गलत करो. दोबारा सुन लो, करना क्या होता है मुझे, बाहर पड़ी वाली टर्म को अंदर पड़ी सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई. 8a से कौन बताएगा मुझे, 8a, एनीबडी फ्रॉम 8a, आ जाओ बेटा आ जाओ, शाबाश, आपका एक हाथ लड़की ने हाथ खड़ा किया, आगे आगे बोल बेटा क्या बनेगा. 2a, थोड़ा जोर से बोलो मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो माइक के पास आ जाओ. 2a टू ए बी स्क्वायर, अभी भी आवाज नहीं आई मुझे आपकी, माइक ऑफ तो नहीं कर दिया, माइक ऑफ कर दिया शायद आपने. माइनस टू ए स्क्वायर, वेरी गुड. क्या करना है, मैंने इस 2ab को b से मल्टीप्लाई किया. अब ये 2a तो अलग से पड़ा, b इंटू बी बी स्क्वायर, यहां पर जब मल्टीप्लाई किया तो 2 और माइनस माइनस 2 बन गया, a a से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर बन गया, साथ में आ गया है b. तो चौथी टर्म को खोल के ये आ गया मेरे पास. अब मैंने क्या कर देना है, इन सारी टर्म्स को ऐड कर देना है. जो कुछ मैंने यहाँ लिखा है एक दो तीन और चार, ये चारों चीजों को अब मैंने इकट्ठा करना है. चारों ब्रैकेट को खोल करके मेरे पास जो जो कुछ सिंप्लीफाई होकर के आ रहा था दैट आई हैव सीन, नाउ आई हैव टू ऐड ऑल दीज. लेट अस सी क्या बनेगा मेरे पास व्हेन आई विल ऐड. पहली टर्म थी ये 4ab वाली, मतलब सबसे पहला है 4a स्क्वायर b माइनस 4ab स्क्वायर, उसके बाद ये टर्म, सो माइनस 6a स्क्वायर b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद मेरे पास ये वाली टर्म दैट इज माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर a, एंड इन द एंड आई एम हैविंग दिस दैट इज 2ab स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b. अब मेरे पास क्या कोई टर्म्स कंबाइन होंगी, लाइक टर्म्स हैं क्या कुछ, या सारी अनलाइक टर्म्स हैं. लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है. ये ए स्क्वायर बी वाली टर्म पड़ी है, यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर बी वाली टर्म आ गई, और एक ये ए स्क्वायर बी वाली टर्म. सो देयर आर थ्री टर्म्स इन्वॉल्विंग ए स्क्वायर बी. ऐसे ही ए बी स्क्वायर, यहां पड़ा है ए बी स्क्वायर और यहां पड़ा है ए बी स्क्वायर.
और एक ये भी पड़ा है ए बी स्क्वायर. लुक केयरफुली, बी स्क्वायर ए हो या ए बी स्क्वायर हो एक ही बात है. मल्टीप्लीकेशन जब आप नंबर्स की करते हैं तो 3 × 2 करें या 2 × 3 करें उससे फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को. और चौथी टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली ये पड़ी है और ये पड़ी है, मैंने सारी टर्म्स मार्क कर दी हैं. जल्दी जल्दी से जरा कंबाइन करो और देखो क्या बन रहा है. ध्यान से देखना, कोई गड़बड़ लगे कोई दिक्कत हो तो बताना है. स्क्वायर पहले ए स्क्वायर बी की टर्म्स देख लेते हैं. ए स्क्वायर बी की टर्म हमने क्रॉस से मार्क आउट की थी, 4a² b माइनस 6a² b एंड माइनस 2a² b. इसको हम ये सब कुछ हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हम कर चुके. हाँ जी, इकट्ठी लिख रहे हैं हम टर्म्स, 4a² b माइनस 6a² b और पीछे से थी माइनस 2a² b. फिर ए बी स्क्वायर की टर्म्स देख लेते हैं. ए बी स्क्वायर की टर्म है हमारे पास माइनस 4ab² और प्लस का 2ab² और प्लस का 3ab² टिक मार्क वाली तीन टर्म्स. फिर हमारे पास है 6a² b² एंड माइनस 6a² b². अब इन तीनों को जब आप इकट्ठा करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? -4a²b बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे चार कॉफिशियंट, यहाँ -6 -2, -6 -2 -8, -8 + 4 तो -4, बाकी तो सब कुछ सेम है ही है. ए स्क्वायर बी अगली टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? -4ab² है, +2ab² है, +3ab² है. तीन और दो पांच का 5ab² -4ab² तो मिल जाएगा ab² एंड व्हाट अबाउट दीज टू टर्म्स? कैंसिल आउट हो जाएंगे. एक प्लस का 6a² भी है, दूसरा माइनस का 6a² भी है, a² b² है. ठीक है जी. लेकिन मेरा आंसर अभी इसमें से किसी भी फॉर्म में नहीं दिया गया तो अब मैं क्या करूं? हाँ जी, कोई आंसर समझ में आ रहा है जो बन रहा हो कि कोई आंसर नहीं बन रहा है? Are we getting any answer? ab² minus 4a² b. हाँ जी, कोई आंसर मिला? देखो दो तरीके हैं अब, या तो आप इसमें से कुछ कॉमन निकालो या तो फिर इन्हें खोल के देखो. दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा क्योंकि एज सच तो ये फॉर्म किसी से मैच आउट हो नहीं रही है मेरी. अब हम देखते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ए बी बाहर आ रहा है तो हम पहले ए बी को बाहर निकाल के देख लेते हैं क्या कोई बात बन जाए, क्या पता. मैं अब इसमें से a * b कॉमन ले रही हूं. बताओ जी, सोच के बोलना, अगर आपके पास -4a² b पड़ा है, इसमें से a * b बाहर निकाल दें, कॉमन ले रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं, तो बचेगा क्या? -4a सिर्फ ए बच गया. एक तो बी बाहर आ गया, यहाँ पे ए की दो पावर्स पड़ी थी जिसमें से एक बाहर कर दी, दो में से एक पावर बाहर कर दी, मतलब एक पावर बच गई, मतलब ए की पावर 1 बच गया. इसमें से ये ए पड़ा था ये तो बाहर आ ही गया. अब दूसरा बी बाहर निकाला है लेकिन यहाँ क्या है? b² तो बचेगा क्या? बी अगेन सेम थिंग, यहाँ पे b की दो पावर थी, दो में से एक तो मैंने बाहर निकाल दी तो एक पावर मेरे पास बच गई. अब देखते हैं ab * b - 4a क्या ये मैच कर रहा है आंसर मेरा? ये जो अंदर टर्म पड़ी है इसको हम b - 4a लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आगे पीछे, क्योंकि मैं 3 + 2 करूं या 2 + 3 करूं एक ही बात होने वाली है. तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया. सो दिस इज माय आंसर.
ए बी इंटू बी माइनस फोर ए। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, टर्म्स ब्रैकेट्स ओपन करनी थी, फिर लाइक टर्म्स का कंबाइन करना था। एट ए में जिस जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, मुझे पता है कईयों को नहीं आया है, ऑनेस्टली बच्चों अगर तुम पूछोगे नहीं तो फायदा तुम्हारा ही नहीं है, तुम हम लोगों का ही नुकसान है। क्या चीज समझ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन से स्टेप में दिक्कत आई है वो बताओ मुझे, एट ए स्पेशली। हाँ जी, एट ए स्टूडेंट्स विच स्टेप यू आर नॉट एबल टू गेट। सारा आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, सारे स्टेप्स लिखे हैं, एक बार गो थ्रू द स्टेप्स एंड सी विच पॉइंट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, टेल मी दैट। जल्दी से जल्दी से फटाफट। हाँ जी, कुछ नहीं पूछ रहे हो सो आई एज्यूम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो मैम, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ था, एक मैम -6a² b² था और एक था +a² b² तो मैम वो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। आपके पास एक टर्म थी 6a² b² मैम यस, और एक थी -6a² b² ठीक है, यही थी, यही पूछ रहे हो। मैम यस, देखो यहां पर ये पॉजिटिव का ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है कि नहीं है, यस, सिर्फ फर्क क्या है, एक प्लस में एक माइनस में। अगर मैं कहूं एक 3 है और एक -3 है, आंसर क्या बन जाता है बेटा? यहाँ पे भी वही काम है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी यही बोला था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऊपर से नहीं उतरा, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन नंबर्स के साथ चलती है वही यहाँ पे चलती है। आई लुक एट दिस टर्म 6a² b² दिस इज ऑल्सो 6a² b², लेकिन बीच में नेगेटिव आ गया, ये प्लस ये माइनस एक ही नंबर सेम मैग्नीट्यूड वाला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब जीरो आंसर। मैं यहाँ पे भी ऐसे कर सकती थी, 3 - 3 कट गया, आंसर इज जीरो। अब अगर यहाँ पे मेरे पास होता बच्चे 6a² b² -2a² b², फिर मैं क्या करती बेटा? बिल्कुल, नाउ माय आंसर विल बी 4a² b² टेक इट एज कि ये 6 एप्पल पड़े थे उसमें से 2 निकाल दिए तो 4 बच गए, यहाँ पे 6 एप्पल पड़े थे 6 के 6 निकाल दिए तो कुछ भी नहीं बचा। कुछ इस तरीके से माइंड में चीजों को रखोगे तो गलतियां नहीं होंगी। ए बी सी एक्स वाई जेड देख के डरना नहीं है, ट्रीट देम एज नंबर्स, जैसे नंबर्स के साथ हम काम करते हैं वैसे ही हमने वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं। सारे रूल जो एक्सपोनेंट्स के रूल हम नंबर्स पे लगा रहे थे वो वेरिएबल पे भी वर्कआउट हो रहे हैं। अगर 2² × 2² करते हो तो 2 पावर 4 बनता है, सो a² × a² कर दोगे तो a पावर 4 बन जाएगा, राइट? एनी अदर प्रॉब्लम एनीबडी इज हैविंग? ओके, चलिए एक ही वाला क्वेश्चन कर दो फटाफट। विच इज द लाइक टर्म एज 24a² bc, मतलब इनमें से किसको मल्टीप्लाई करके यही मिलने वाला है 24a² bc, कहां से सेम चीज मुझे मिलेगी? हाँ जी बताओ जी, ए ही आंसर हो गया, सीधा सीधा ही आंसर मिल गया। यहाँ पे देखो नंबर 3, 4 और 2 मल्टीप्लाई किया, 4 6 12 2 24, ये बी और सी बेचारे अकेले अकेले पड़े हैं, ए की पावर 1 यहाँ 1 यहाँ तो ए स्क्वायर बन गया, मतलब कि यही आ गया 24a² चलो एक काम करो जरा इसका बताओ फटाफट आंसर क्या बनता है। आंसर तो मेरा ये हो गया लेकिन एक बार मल्टीप्लाई कर ले जरा देखें क्या बना रहे हो। कांस्टेंट 8 और 3, ये तीनों वेरिएबल डिफरेंट, सो 24abc। अगले में बताओ जी,
बी और सी की दो पावर्स पड़ी हैं तो सी स्क्वायर। आगे बोलो जी। एट इंटू थ्री 24 इंटू 24, अब ए की पावर कितनी आएगी? टू। एक यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है। बी की पावर कितनी आएगी? बी स्क्वायर, और सी बेचारा अकेला पड़ा है। ठीक है जी, 24 इंटू 24 576। तो मेरे पास जो सेम आ गया आंसर, वो फर्स्ट वाला आ गया है। ये अभी रहने दो, बाइनोमियल विद बाइनोमियल है तो इसको अभी हम नहीं करेंगे, अभी तो हमारा मोनोमियल ही नहीं बेचारा हो रहा। चलो ये केस स्टडी और जो बाइनोमियल विद बाइनोमियल है, अगली क्लास में सेम असाइनमेंट आप लेके आएंगे। इसकी पिछली असाइनमेंट में भी शायद एक दो क्वेश्चन हमारे मल्टीप्लीकेशन वाले रहते थे, सो विल कंटिन्यू विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ बाइनोमियल विद अ बाइनोमियल। आज हमने किया मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एंड केस स्टडी ध्यान से हमने करनी है, कोशिश करना पढ़ के देख के समझ के कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना खुद से, फिर हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। सो ब्रिंग दिस असाइनमेंट इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, और इसके पिछले वाली असाइनमेंट भी लेके आना, उसमें भी एक दो क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन के रहते थे। ये दोनों असाइनमेंट ही हम अगली क्लास में फिनिश करेंगे, उसके बाद डिविजन की बात करेंगे। राइट स्टूडेंट्स? ओके ओके जी, ओके बच्चों, बाय बाय। बाय।